हेलो टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ दिल्ली नॉलेज ट्रैक. मेरा नाम दक्षता अरोरा है, मैं मुरादाबाद यूपी से हूँ. अपनी डिटेल स्ट्रैटेजी शेयर करने से पहले मैं आपको अपने बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूँगी. मैंने इंजीनियरिंग की थी, मेरी एक प्राइवेट कंपनी में MNC में एक जॉब लग गई थी, बट फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि नहीं, मतलब आई एम नॉट मेड फॉर दिस. सो मैंने अपनी लाइन स्विच करी, मैं ह्यूमैनिटीज़ में आई. एक बोल्ड स्टेप था, यू नो, सब ने कहा कि लड़की क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, बट आई टुक द स्टेप. जो मेरे को ठीक लगा मैंने वो करा. आई स्विच माई लाइन टू ह्यूमैनिटीज़. मैंने फिर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करी इंग्लिश से. मैंने लास्ट ईयर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी और मैं गोल्ड मेडलिस्ट बनी अपनी यूनिवर्सिटी की. मुझे लगा कि हाँ, अब तो सब ठीक है, बट कहते हैं ना कि मतलब लाइफ इतनी सिंपल नहीं होती है. मैंने अपने दो नेट अटेम्प्ट्स दिए और मैं दोनों में मार्जिन से ही फेल कर गई. फेल मीन्स फेल, आप मार्जिन से करिए या आप थोड़ा उससे कर लीजिए, बट मैं फेल थी. तो मुझे लगा कि पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं होगा, बट लकीली मैंने इस बार अपना हार्डवर्क से, अपनी पेशेंस से इस बार अपना नेट का अटेम्प्ट दिया और जून 2020 में मैंने इंग्लिश से अपना नेट GRF क्रैक किया विद 99.817%. अब मैं अपनी स्ट्रैटेजी से पहले एक और चीज़, पहले पेपर के बारे में हम डिस्कशन करते हैं कि एक्चुअली में ये UGC नेट है क्या. सो नेट इज़ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो NTA कंडक्ट कराता है. साल में दो बार कराता है, यूजुअली दो बार कराता है और ऑनलाइन मोड में कंडक्ट होता है ये. अच्छा, इसको क्लियर करने से हमें क्या मिलता है, राइट? तो इससे, इसको नेट GRF क्लियर करने से हम ऑल ओवर इंडिया असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. ठीक है, ये भी हो गया. अब कितने बच्चे पास करते हैं, तो जितने भी बच्चे अपियर होते हैं उसके 6% बच्चे पास होते हैं नेट के लिए. और इसमें भी जो टॉप के 1% बच्चे होते हैं वो GRF क्लियर करते हैं. अब GRF क्या हुआ? सो GRF इज़ जूनियर रिसर्च फेलोशिप. इसको क्लियर करने से गवर्नमेंट आपको फेलोशिप देगी पर मंथ की, आपको अपनी PhD करने के लिए. सो यही है आपका नेट GRF. अच्छा, GRF यू नो 1% क्लियर करता है, मीन्स 100 में से कोई एक बच्चा. साउंड्स डिफ़िकल्ट, राइट? बट मुझे लगता है अगर मैं कर सकती हूँ तो आप में से कोई भी कर सकता है. थोड़ा पेशेंस चाहिए, हार्डवर्क चाहिए, स्ट्रैटेजी चाहिए एंड आप क्लियर कर जाओगे. अब पेपर का पैटर्न क्या है, राइट? सो दो पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 इज़ आपका जनरल होता है, ठीक है, उसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं. पेपर 2 आपका मास्टर्स स्पेसिफिक होता है, मतलब आपने अपने मास्टर्स कौन से सब्जेक्ट से किया है, उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं. टोटल 150 क्वेश्चंस हो गए, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स. तो ऑल ओवर आपके 150 क्वेश्चंस 300 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग. ये तो हो गया आपका पेपर का पैटर्न. अच्छा, 3 आवर्स में कुछ ऐसा नहीं है कि आपको पहले पेपर 1 करना है या पेपर 2 करना है. जो आपको कंफर्टेबल हो आप वैसे अपना स्ट्रैटेजी बनाइए. अब आते हैं हम पेपर 1 के ऊपर. अच्छा, इससे भी पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि मैं किसी भी पेड कोर्स या किसी कोचिंग में किसी का भी पार्ट नहीं थी, एक्सेप्ट मैंने अनअकैडमी का 2 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लिया था, वो भी अपने थर्ड अटेम्प्ट फाइनल अटेम्प्ट में. इसके अलावा मैंने कोई भी पेड कोर्स या कोचिंग में किसी का भी पार्ट नहीं थी. मैंने जो फ्री ऑनलाइन कोर्सेज हैं लाइक यूट्यूब या गूगल, विकिपीडिया, ये सब ज़रूर मैं पार्ट थी इन सब के, फ्री वाले, बट किसी भी पेड का पार्ट मैं नहीं थी. अब आते हैं पेपर 1. सो पेपर 1 में आपकी 10 यूनिट्स होती हैं, विच मीन्स आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, कम्युनिकेशन, ICT, योर एनवायरनमेंट एंड योर हायर एजुकेशन. अच्छा, ये 10 यूनिट्स तो हैं, बट इन सबको डील करने का एक अपना ही अलग अलग स्ट्रैटेजी है. अब आप जिस हिसाब से DI पढ़ते हैं वैसे आप अपना टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं पढ़ सकते हैं, राइट? तो जो आपका इसमें से निकालिए, जो आपकी प्रैक्टिकल पोर्शन है और जो आपका थियोरेटिकल पोर्शन है, जैसे आपका डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया या आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया या मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, इसमें आपको डेली प्रैक्टिस चाहिए. कि जैसे आज मैंने DI का एक सेट लगा लिया, कल मैंने एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेट लगा लिया, परसों सपोज मैंने मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, तो ये आपका प्रैक्टिस से ही होगा. ये कुछ नहीं है कि आपने याद करा और ये आपका कुछ हो गया, नहीं, इसमें आपको डेली की प्रैक्टिस चाहिए. बाकी जो पूरा थियोरेटिकल पोर्शन है लाइक योर टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, इसमें आप अपने कंसेप्ट पे फोकस करिए. अच्छा, जैसे आपका एनवायरनमेंट है या आपका हायर एजुकेशन है, मैं क्या करती थी, मैं डेली सुबह उठती थी, डेली सुबह टुकड़ों में उनको याद करा करती थी कि अच्छा, एनवायरनमेंट में ये है तो ये पोल्यूटेंट्स हैं, ये ऐसे हैं, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं, ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं. तो मैं ऐसे सुबह उठकर याद करती थी. ऐसा मत करिएगा कि एक यूनिट आप आज लेके बैठे कि हाँ आज मैं पूरी यूनिट कर लूँगी, नहीं, टुकड़ों में डेली थोड़ा थोड़ा मॉड्यूल वाइज बांट लीजिए कि हाँ आज इतना ही करना है, आज इतना ही करना है.
ऐसे करके अपनी ये वाली यूनिट्स करिए। मैं सोर्सेज की बात करूँ तो मैंने पेपर वन के लिए KVS मदान सर की बुक, मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, मैंने कोई और बुक रेफ़र नहीं करी, KVS मदान सर की बुक फॉलो करी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपका यूट्यूब की, तो मैंने तलवीर सर जिनका कॉमर्स नेट अचीवर्स चैनल है, मैंने उनको फॉलो किया था। फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने बहुत सारे चैनल्स फॉलो करे थे यूट्यूब पे, नवदीप मैम को भी मैंने बहुत फॉलो किया था, बट फिर सेकेंड और थर्ड अटैम्प्ट मेरे को लगा कि नहीं, एक पे मेरे को स्टिक रहना है, तो मैंने तलवीर सर को मैंने फॉलो किया। मेरे को उनकी जो मतलब एक निमोनिक से पढ़ाना, या मतलब जिस हिसाब से मतलब एक होता है ना कि एक अपनेपन से सर पढ़ाते थे, तो वो मेरे को थोड़ा अच्छा लगता था, तो मैंने तलवीर सर को फॉलो किया और KVS मदान सर की बुक। बाकी आप मॉक टेस्ट प्रिपरेशन हो गया, वही डेली याद करना, पेपर वन हो जाएगा। जितना आप पेपर वन से घबराएंगे ना, मैंने बहुत बच्चे देखे हैं घबराते हैं कि अरे मतलब बस अब क्या हो गया, कुछ नहीं आता हमें, DI कैसे होगा, RC कैसे होगा, बट उस देखिए जितना आप घबराएंगे ना उतना ही फिर वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। तो शांत दिमाग से बैठ करके आप उसको वैसे ही फोकस करिए, डेली थोड़ा थोड़ा टाइम अपने पेपर वन के लिए निकालिए। जिनका भी पेपर टू बहुत ही वास्ट है ना, वो पेपर वन पे ज़रूर फोकस करें, बिकॉज उसमें पेपर वन में क्या है ना, एक फिक्स है कि हाँ ये आना है, ये आना है, इसमें से इतना आना है, इतना आना है। पेपर टू इतना वास्ट है, आप कुछ कह नहीं सकते हैं। तो अगर आप पेपर टू में थोड़ा भी इधर उधर होगा तो पेपर वन आपको संभाल लेगा। जैसे मेरा पेपर वन में काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग होल था, तो मैं टारगेट करती थी कि हाँ 37-38 क्वेश्चंस तो मैं कर ही लूँ। इस बार भी मेरा उतना ही हुआ कि हाँ मेरे 38 क्वेश्चंस इस बार हुए हैं, पहले एक अटैम्प्ट में मेरे 40 क्वेश्चंस भी सही थे। तो मैं अपने पेपर वन में काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रखती थी, उसके लिए बस वही बुक और मैंने तलवीर सर को फॉलो किया। बाकी पेपर वन में कुछ और नहीं है, बाकी जो मैंने बताया वही सुबह आप उठ के याद करिए, अपना मॉक टेस्ट लगाइए, थोड़े थोड़े मतलब एक ना क्लिपिंग्स बना लीजिए, जैसे आपको कुछ याद नहीं हो रहा है एनवायरनमेंट या हायर एजुकेशन में, तो एक क्लिपिंग्स बना के उनका वॉल पे लगा लीजिए कि हाँ अच्छा ठीक है, ये ऐसे होना है, ये ऐसे होना है। निमोनिक्स से याद करिए, पेपर वन में निमोनिक्स तो बहुत ही ज़रूरी है, मतलब कोई भी पहचान बना लीजिए आप, उससे याद करिए पेपर वन का। बाकी हुआ गुड टू गो, प्रैक्टिस करिए और हो जाएगा, बस पेशेंस बना के रखिए। अब हम आते हैं पेपर टू की स्ट्रैटेजी पे। अच्छा, जितने भी इंग्लिश लिटरेचर वाले बच्चे हैं, आई नो ज़्यादा गाइडेंस अवेलेबल नहीं है, बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत ही वास्ट सिलेबस है, और पहले तो CBSE कराता था तो फिर भी थोड़ा ईजियर लेवल पर था, अब लेवल बहुत हाई हो गया है तो बहुत दिक्कत आती है। तो मैं आपको पूरा बताती हूँ अपना इंग्लिश लिटरेचर का क्या है। सबसे पहले तो आप इंग्लिश लिटरेचर के लिए आप जब भी प्रिपरेशन शुरू करने वाले हैं, दो चीज़ें अपनी टेबल पर ज़रूर ला के रखिए। वन इज़ योर सिलेबस, जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, प्रिंटआउट निकालना चाह रहे हैं प्रिंटआउट निकाल लीजिए, छोटा सा है, लिखना चाहें आप लिख भी सकते हैं आप, तो एक सिलेबस। सेकंड इज़ योर पास्ट ईयर पेपर्स। आई गेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इंग्लिश लिटरेचर में कुछ भी है तो वो है आपके पास्ट ईयर पेपर्स। आपको पता कैसे लगेगा कि यू नो वो आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं, वो आपको अपने पास्ट ईयर पेपर से ही पता चलेगा कि हाँ मतलब जो पेपर सेटर है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो पास्ट ईयर पेपर्स वो भी आप किसी के खरीदना चाहते हैं आप खरीद लीजिए। मैंने तो पर्सनली ऑनलाइन थे तो मैंने उसी को डाउनलोड करके प्रिंटआउट्स घर से निकाल लिए थे, उनको बाइंड कर दिया था। तो मैंने तो मतलब पास्ट ईयर पेपर्स मैंने 2012 से फॉलो करे थे, एक साल में दो बार कराता है NTA, मतलब हाँ दो बार होता है, तो उसी आप अकॉर्डिंगली आपके पास वो पेपर्स हो जाएंगे उनको, मतलब ये दोनों चीज़ें तो आपकी टेबल पर ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, अब बात आते हैं आपकी बुक लिस्ट की। अच्छा, जैसे अब तक मैं बहुत ही कम लोग अपनी बुक लिस्ट शेयर करते हैं, मैंने अपनी बुक लिस्ट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको मेरी बुक लिस्ट मिल जाएगी। बट एक क्वेश्चन है, प्लीज़ देखिए, सबकी बुक लिस्ट अलग होती है, इतनी सारी बुक्स हैं, आप मेरे को ऐसा नहीं है कि आप इस चीज़ को रिलीजियसली फॉलो करिए कि मैंने ये चीज़ फॉलो करी है, नहीं, जो आपको सूटेबल हो वो आप करिएगा। देखिए हमारा मेन पर्पस है कि हमें कंसेप्ट समझना है। बुक लिस्ट सबकी डिफरेंट हो सकती है, सारी ही बुक्स अच्छी होती हैं, आपकी अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है, कंसेप्ट पे फोकस करिएगा। बट मैंने बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको कुछ भी नहीं पता होता है, मैंने बस जो मैंने फॉलो करा मैंने वो अपनी बुक लिस्ट में शेयर करा है। अब आते हैं, देखिए इंग्लिश लिटरेचर में आपकी 10 यूनिट्स हैं। सबसे फर्स्ट यूनिट अगर मैं आपसे बात करूँ तो आपकी आ जाती है ड्रामा, सेकेंड आपकी पोइट्री, फिर आपका फिक्शन, आपकी शॉर्ट स्टोरी, एंड फोर्थ वन इज़ योर नॉन फिक्शन। मैंने इन चारों का कुछ अलग से नहीं करा था कि इन चारों को मैंने अलग वे में पढ़ा, नहीं, मैंने क्या करा था, इनको एक इकट्ठा करके ही पढ़ा था। मतलब कि इन चारों को कर लिया, तो जैसे ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ रही हूँ मैं, तो इन चारों में जो भी आ रहा है वो पहले ब्रिटिश से पढ़ लिया, फिर उसको अमेरिकन से पढ़ लिया, ये नहीं करा कि पहले सारा ड्रामा पढ़ा फिर सारा पोइट्री पढ़ा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा था, मैंने इन चारों को कलेक्टिवली पढ़ा था। अच्छा, इसमें भी क्या है ना, बच्चे मैंने देखा है बहुत परेशान रहते हैं कि पूरी वर्ल्ड लिटरेचर के चक्कर में फंस के रह जाते हैं, बट आप देखिए ब्रिटिश लिटरेचर को अपना फोकस बना के रखिए। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट हाफ जो पेपर है आपका, 50% आपका पेपर ब्रिटिश लिटरेचर से पूछा जाता है, तो सबसे ज़्यादा होल्ड आप अपने उसी पे करिए।
अगर मैं बुक्स पे आऊँ तो मैंने सबसे पहले हटसन पढ़ी थी। बहुत छोटी सी किताब है, बहुत अच्छी किताब है, आप बहुत जल्दी उसको पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं। मैंने हटसन से शुरुआत करी थी। आप चाहें तो हटसन और जेलोंग में से कोई एक पढ़ सकते हैं। रूटलेज मुझे लगता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। क्यों? क्योंकि NTA डायरेक्ट क्वेश्चंस रूटलेज से पूछता है, राइट? लाइक जैसे एक क्वेश्चन था दिसंबर 2019 में पोएटिक कंपाउंडिंग का आया था, वो रूटलेज बुक से एग्जैक्ट कॉपी था। मतलब एक एग्जैक्ट अगर आपको मिल रहा है कहीं से, तो मेरे को वो बहुत अच्छा सोर्स लगा था रूटलेज का। सो हटसन, आपका जेलोंग और आपका रूटलेज, ये तीन मैंने फॉलो करी थी। इसके अलावा देखिए बहुत सारे बच्चे डेविड डेशीज़ के लिए कहते हैं, बट वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स बुक है, लेंदी बुक है। मैंने बहुत ही सिलेक्टिवली उसको फॉलो किया था, मैंने कोई उसको रिलीजियसली फॉलो नहीं करा था। उसकी बजाय मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, मतलब शायद ही आपने वो चीज़ कभी सुनी हो, बट मैंने जो फॉलो किया था, एक आपका ऑक्सफोर्ड कंपेनियन होती है इंग्लिश लिटरेचर के लिए, ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू इंग्लिश लिटरेचर। उसमें क्या है, देखिए अगर आप उसको मतलब पूरी किताब लाएंगे अपनी वो पूरी, तो वो बहुत ही बल्की हो जाएगा और वो पूरा कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता है। मैंने क्या करा था, मेरे को ऑनलाइन अवेलेबल हो गई थी, आई गेस 5th edition मेरे को ऑनलाइन अवेलेबल हो गया था, तो मैंने उसको डाउनलोड कर लिया। अच्छा, पूरी तो मैंने देखी आज तक नहीं पढ़ी है। मैं क्या करती थी, जैसे सपोज़ मैंने आज टेनिसन पढ़ा, तो मैंने क्या करा, कंट्रोल F किया, उस PDF में टेनिसन टाइप करा और आप एंटर करेंगे तो टेनिसन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आपकी वो आ जाएंगी। तो मैंने वो एक कर्सरी उसी रीडिंग से देख लिया कि अच्छा ये है, ये तो मैंने ये नहीं पढ़ा था, अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो वो मेरे को बहुत बेनिफिशियल हुआ। क्यों? क्योंकि एक दिसंबर 2019 में एक वुदरिंग हाइट से क्वेश्चन आया था, वो डायरेक्ट कॉपी ऑक्सफोर्ड कंपेनियन की उससे आया था, तो मुझे लगा कि नहीं, बहुत अच्छा सोर्स है इसको। लेकिन आपको ये नहीं कि पूरा आप फर्स्ट से लेकर लास्ट तक पढ़ सकते हैं, मैंने खुद अभी तक कंप्लीट नहीं करी है। वो बहुत सिलेक्टिवली यूज़ करा है, जहाँ मुझे लग रहा था कि हाँ ये इंपॉर्टेंट ऑथर है, मैंने वो कंट्रोल F करके सर्च किया, उसके सारे रिजल्ट देखे कि अच्छा ये वाला वर्क है, देख लिया कि अच्छा हाँ ये सब पढ़ लिया ना, मैंने पढ़ लिया, ऐसे करके मैंने उसको पढ़ा। तो देखिए आप भी उसको वैसे ही फॉलो करिएगा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि आप पूरा फर्स्ट टू लास्ट पढ़ेंगे, ऐसा मत करिएगा। ब्रिटिश लिटरेचर आई गेस ऐसे पूरा हो जाएगा। उसके बाद आती है अगर अमेरिकन लिटरेचर के लिए, तो एक कैथरीन मैम की बुक है, मैंने वो फॉलो करी थी। उस बुक में आउटलाइन है, मतलब ये नहीं कि पूरा डिटेल बुक है, तो वो उसमें एक आउटलाइन है, उससे मतलब आपको एक समरी पता चल जाएगी कि हाँ चलिए अमेरिकन लिटरेचर में आपका ये है, तो मैंने वो फॉलो करी थी। उसके अलावा मैंने विकिपीडिया बहुत, मतलब सारे ऑथर्स को मैं पहले गूगल करती थी उनके बारे में विकिपीडिया पे, एक तो उनका फर्स्ट पैराग्राफ, एक लास्ट में उनका आता है कि उनके क्या क्या वर्क्स हैं, मैं वो ज़रूर फॉलो करती थी। अमेरिकन लिटरेचर आपका ऐसे हो जाएगा। उसके अलावा इंडियन लिटरेचर की मैं बात करूँ तो AK मेहरोत्रा सर की एक बुक है, बाकी तो आज से ज़्यादा सोर्सेज कुछ नहीं है। AK मेहरोत्रा सर की बुक थी, मैंने वो फॉलो करी थी, बाकी वही आपका YouTube या आपका विकिपीडिया, ये फॉलो किया था। अच्छा, इसके अलावा बाकी जितनी भी लिटरेचर्स बचती हैं आपकी, अफ्रीकन हो गई, कैनेडियन हो गई, सारी लिटरेचर्स मैंने कोई किताब उसके लिए फॉलो नहीं करी थी। मैंने क्या करा था, लिस्ट निकाल ली थी कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स की, उनको मैंने गूगल करा था विकिपीडिया से या बाकी और जितने भी सोर्सेज हैं, मैंने उससे फॉलो किया था। मतलब मुझे लगा कि देखिए इतने कम क्वेश्चंस आते हैं तो पता नहीं किताब फॉलो करना सही है या नहीं है। सो मैंने उसको ऐसे ही करा था कि अपने विकिपीडिया पर और अपना गूगल पर सर्च करके लिस्ट से वैसे इंपॉर्टेंट आपके राइटर्स, उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स, अच्छा वो भी फिर उनकी समरीज बना ली कि अच्छा इस वाले वर्क में ये है, ये है, ये है, सिर्फ मैंने ऐसे पढ़ा था। इससे मेरी 4 units कवर हो गई थी। मैंने ऑनलाइन बहुत ज़्यादा फोकस किया था अपना कंटेंट, मैं ऑनलाइन ज़रूर, मेरा लैपटॉप वहीं साइड में रहता था, तो आई यूज़ टू सर्च कि अच्छा हाँ ये कुछ ना, मतलब ये है, ये मेरा कुछ मिस ना हो जाए मुझसे, तो मैं ऑनलाइन करती थी। अपनी 5th unit के बारे में आते हैं, तो वो है आपकी लैंग्वेज टीचिंग। तो उसके लिए एक लार्सन फ्रीमैन की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, ज़्यादा कोई मोटी बुक नहीं है, पतली सी बुक है, वो कर सकते हैं। बाकी आप प्रीवियस ईयर पेपर से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको आप ऑनलाइन सर्च करिए कि अच्छा ये पूछा है तो ये क्यों पूछा है, आप वो सर्च करके आप वो निकाल लीजिए। तो आई गेस ये 5 units हो गई। इससे नेक्स्ट जो यूनिट आती है वो आपकी आती है इंग्लिश इन इंडिया की आती है। देखिए पहले तो मैंने इसकी कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने कुछ नहीं फॉलो करी थी। इस बार एक आपकी बुक आती है कृष्ण स्वामी सर की, वो देखिए थोड़ी सी है, बड़ी बुक है, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने कवर टू कवर तो उसको नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने बहुत स्मार्टली उसको पढ़ा कि अच्छा वुड्स डिस्पैच है, तो मैंने वो पढ़ लिया कि अच्छा इसमें ये था, ये था, मतलब बहुत सिलेक्टिव रीडिंग करी है। इसके अलावा एक यूट्यूब चैनल है आपका डायनेमिक स्टडी का, उस पर 2 videos पढ़ी हैं आपकी इंग्लिश इन इंडिया की, वो भी बहुत हेल्पफुल लगी मुझे, तो मैंने वो फॉलो करी है। बाकी देखिए इसमें 3 questions हार्डली आ जाएंगे या 4 questions आ जाएंगे, तो आप अपने हिसाब से देखिए कि आपको फॉलो करना है या आपको नहीं करना है। मैंने एक यही बुक बहुत ही सिलेक्टिवली, प्लस आपका ये डायनेमिक स्टडी की 2 videos और बाकी थोड़ा बहुत आपका ऑनलाइन सर्च, बस इस वाली यूनिट में मैंने इतना ही करा था। इससे नेक्स्ट यूनिट पे हम आते हैं हमारी है कल्चरल स्टडीज़ की। तो इसके लिए एक बुक आती है नायर सर की, प्रमोद के नायर सर की, बहुत ही अच्छी बुक है,
एक स्टैंडर्ड सोर्स माना जाता है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। इसके अलावा यूट्यूब पर एक डॉक्टर कल्याणी वलात मैम का चैनल है, फ्री चैनल है, उस पर बहुत सारी उनकी कल्चरल स्टडीज़ की वीडियोज़ पड़ी हैं। बट उनकी एक वीडियो है जिसमें उन्होंने अपनी PPT से पढ़ाया है, मेरे को वो वाली वीडियो बहुत अच्छी लगी थी, तो आप चाहें तो उसे फॉलो कर सकते हैं। बाकी कल्चरल स्टडीज़ में मैंने भी वही आपका गूगल सर्च, प्रमोद के नायर सर की बुक और कल्याणी वलात मैम की बुक, इतना ही करा था। नेक्स्ट यूनिट पे हम अगर आते हैं वो है हमारी क्रिटिसिज्म की। तो क्रिटिसिज्म पे एक देखिए स्टैंडर्ड सोर्स तो आपका हबीब सर की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है, बट बहुत ही बल्कि है। जिन लोगों पर टाइम है वो उसे पढ़िए, जिन लोगों को लगता है कि नहीं मतलब उतनी बड़ी हम पे टाइम नहीं है, तो एक बुक आती है बी प्रसाद सर की, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी पर्सनली। मतलब बाकी आपका मन है आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है, चाहें तो आप हबीब सर की बुक, नहीं तो आप बी प्रसाद सर की बुक कोई भी फॉलो कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। बाकी अगर हम नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं वो आपकी लिटरेरी थ्योरी के लिए की, तो उसका जो स्टैंडर्ड सोर्स है वो है आपका पीटर बेरी की बुक। जिन बच्चों को वो थोड़ी मुश्किल लगती है वो एक मैरी क्लेक्स की बुक आती है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। मैं दोनों में से जो आपको एक लगे, आप जिससे भी कंफर्टेबल हो, देखिए आप बुक आप पढ़िए, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं इस बुक के साथ में कंफर्टेबल हूँ तो ठीक है, नहीं तो आप सोर्स चेंज कर सकते हैं, एट दी एंड आपको कंसेप्ट समझना है। अच्छा, लिटरेरी थ्योरी के लिए मैंने यूट्यूब पे बहुत, मतलब जैसे सपोज मैंने स्ट्रक्चरलिज्म कर लिया तो पहले मैंने उसको गूगल पे करा, विकिपीडिया पढ़ लिया कि अच्छा ये है, इससे रिलेटेड कौन कौन है लोग, फिर मैंने यूट्यूब पे ज़रूर बहुत सारे वीडियोज़ में सुनती थी एकदम क्लियर करने के लिए, ना बहुत आसान लैंग्वेज में आपको यूट्यूब पे समझा देते हैं, तो मैंने वो फॉलो करा था। बाकी लिटरेरी थ्योरी देखिए NTA बहुत ज़्यादा पूछने लगा है आजकल, तो आप देख लीजिए कि एक दो सोर्सेज हैं बुक्स के, बाकी आप गूगल है, यूट्यूब है, इन सब पे देख सकते हैं। इससे नेक्स्ट अगर मैं आती हूँ तो आपकी आती है लास्ट यूनिट जो है आपकी रिसर्च मेथडोलॉजी के लिए। मैंने पर्सनली कोई भी बुक नहीं यूज़ करी थी क्योंकि फर्स्ट पेपर में आपकी ये सेम यूनिट है, लेकिन इस बार मेरा एक क्वेश्चन गलत भी हुआ था ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में। तो अगर आप चाहते हैं तो एक MP सिन्हा सर की बुक है, आप वो फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा सोर्स माना जाता है। बाकी इसमें आप MLA स्टाइल क्या है ये सब चीज़ें देख सकते हैं। मैंने पर्सनली कोई बुक नहीं फॉलो करी थी, बट MP सिन्हा सर की बुक काफ़ी अच्छी एक सोर्स माना जाता है, आई गेस यही सारी बुक से। हाँ, बाकी एक लिटरेरी टर्म्स की बात आती है तो इसके लिए वही स्टैंडर्ड सोर्स आपका MH अब्राहम्स सर की बुक आती है। अच्छा, MH अब्राहम सर की बुक भी काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स लगती है, थोड़ा पढ़ने में मुश्किल आती है। तो एक बुक है MCQ फॉर्मेट में है, मतलब उसमें बुक में क्या है, MH अब्राहम्स और आपका कडन इन सबसे MCQ फॉर्म में है, इट्स लिटरेरी टर्म्स फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन इन इंग्लिश बाय सुधीर के अरोरा, तो इसमें सारा आपका MCQ फॉर्मेट में है। इसके अलावा देखिए बुक्स बहुत सारी है, मैं चाहूँ तो आपको पूरी, मतलब मेरे पास लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स हैं, बट वही हम पढ़ते नहीं हैं इतनी बुक्स, तो मैंने बहुत सिलेक्टिव चीज़ें बताई हैं आपको कि हाँ जिनसे मुझे थोड़ा बेनिफिट मिला मैंने आपको वो बताया, बाकी तो देखिए आप सारी बुक्स ला के रख लीजिए, खोलेंगे नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। जो बुक्स आपको ठीक लगे, जिससे आपको ठीक लगे, जो भी सोर्सेज आपको अच्छे लगे वो फॉलो करिए, बाकी इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही वास्ट है, तो आप कम सोर्सेज से अपना ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा करिए कि भैया जो सोर्सेज हैं उन्हीं को अच्छे से रिवाइज़ करिए, उन्हीं को अच्छे से अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाइए। इसके अलावा बात आती है इंग्लिश में, ये तो बुक्स की बात होगी, यूट्यूब चैनल्स के ऊपर अगर मैं बात कहूँ आपसे, तो देखिए बहुत सारे चैनल्स हैं बट दो तीन ही मेरे को यूट्यूब चैनल्स अच्छे लगते हैं। एक तो है आपका साहित्य क्लासेस का, विच इज़ विनीत पांडे सर का चैनल है वो, मैंने हाँ वो चैनल मतलब मेरे को थोड़ा मोटिवेशन के लिए, और सर अच्छी गाइडेंस देते हैं, तो जैसे कभी मैं थोड़ा बोर हो जाती थी या कभी भी कुछ होता था तो मैं अपना आप लॉगिन करके मैं सुन लेती थी सर की वीडियोस, तो एक वो चैनल। सेकंड है आपका डॉक्टर कल्याणी वलात मैम का चैनल, वो मेरे को बहुत बाद में पता चला था चैनल, बट वो काफ़ी अच्छा चैनल है, मतलब मुझे अच्छा लगा, ये दो चैनल्स हो गए। थर्ड एक स्टडी लवर्स यूट्यूब चैनल है, उस चैनल में क्या है कि आपकी समरीज वगैरह बहुत अच्छे से दे रखी है ना आपके चैप्टर्स की, मतलब थोड़ा कार्टून और पिक्टोरियल फॉर्म में दे रखा है कि अच्छा मतलब ये करेक्टर है ये करेक्टर, तो थोड़ा पिक्चर फॉर्म में है, तो मैं समरी के लिए एक बार उसको सुन लिया फिर पढ़ लिया, तो एक दिमाग में एक ना वो एक इंस्क्राइब हो जाती थी वो चीज़। तो ये दो तीन चैनल्स हैं, बाकी मैंने आज तक किसी को फॉलो नहीं करा, मैंने बुक्स है और अपना ये ऑनलाइन तो विकिपीडिया, स्पार्क नोट्स, आपका ग्रेट सेवर, लिट चार्ट्स, विक्टोरियन वेब, ई नोट्स, जितना भी मतलब ये सब है मैंने बहुत फॉलो किया है, क्योंकि देखिए इतने सारे नॉवेल्स हैं, हज़ारों नॉवेल्स हैं, आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते ना आप, तो आप क्या करिए उनकी समरीज पढ़िए, अच्छे से पढ़िए उनको, जो आपको लग रहा है कि बहुत डिटेल्ड है उसको थोड़ा डिटेल में पढ़िए, जो आपको लग रहा है इससे ज़्यादा नहीं आता है तो उनको आप थोड़ा समरीज फॉर्म में पढ़ सकते हैं।
देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या फॉलो करना चाहते हैं। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, आपकी डिफरेंट हो सकती है, सो इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है, राइट। अब मैंने ना कुछ स्मार्ट टिप्स थी जो मैंने अपने टाइम पे फॉलो करी थी, तो मैं वो कुछ नोट डाउन करके आई हूँ, तो मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी अगर वो आपके कुछ हेल्प के आ जाए। सबसे पहली चीज़ तो देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें याद नहीं होती हैं, तो मैं क्या करती थी ना, उनको अपनी ही वॉइस में अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेती थी। तो जैसे मैं कभी खाली हूँ, कभी कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो मैंने वो अपनी ही वॉइस की सुन ली, तो उससे क्या होता है आपके दिमाग में इंस्क्राइब हो जाती है चीज़ की, अच्छा हाँ मतलब अपनी वॉइस में हम सुन रहे हैं उस चीज़ को। तो मैं वो करती थी कि एक अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर ली कि कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कुछ याद करना है, उस वो कर लेती थी। सेकेंड चीज़ क्या थी ना, मैंने चार्ट्स बनाए थे, जैसे कि आपका ब्रिटिश लिटरेचर का अलग, अमेरिकन का अलग, कुछ भी इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं ना, तो वो इंपॉर्टेंट ऑथर्स वो कौन सी एज को बिलोंग करते हैं, उनके क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, ये मैंने प्रॉपर एक चार्ट बना रखे थे और इनको अपनी वॉल्स पे लगा रखे थे। सपोज अफ्रीकन है तो अफ्रीकन में अडीची है, तो अडीची हो गई, उसके आपके मतलब क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट वर्क्स हो गए, वो कौन सी एज से मतलब, तो ये सब चीज़ें क्या, किसको नोबेल प्राइज़ मिला है, क्या मिला है, तो ये सब मैंने अपने चार्ट फॉर्म में अपने वॉल पे पेस्ट कर रखे थे कि हाँ मतलब ये ऑथर्स हैं, ये इनका ये है। ये दो टिप्स हो गई। थर्ड टिप की मैं बात करूँ आपसे, तो मैंने क्या करा था ना कि कुछ आपके 200-250 इंपॉर्टेंट वर्क्स होते हैं जो NTA मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछता है, लाइक यूटोपिया, वैनिटी फेयर, जेन ऑस्टन के नॉवेल्स, जॉर्ज एलियट के नॉवेल्स, ऐसे बहुत सारे वर्क्स होते हैं ना, जोसेफ कॉनराड के नॉवेल्स, तो इनका मैंने क्या करा था ना, मैंने विकिपीडिया से इनके प्रिंटआउट्स ले लिए थे, राइट। इनके जो भी वर्क्स थे इनके मैंने प्रिंटआउट्स ले करके तकरीबन 250 वर्क्स के आसपास थे, तो इनकी मैंने बुकलेट्स मतलब बुकलेट बना ली थी, उनको बाइंड कर लिया था, तो इनको मैं डेली ही रिवाइज करती थी कि अच्छा हाँ, क्योंकि देखिए जो नए नए टॉपिक्स हैं उनका तो पता नहीं, जो आ रहे हैं बार बार अगर आप उन्हीं को अच्छे से कर लेंगे तो हो सकता है भैया उसी में से क्वेश्चंस आ जाएं। तो मैंने ये ज़रूर करा था कि मैंने उनके बुकलेट्स बना ली थी और उनको मैंने बहुत रिलीजियसली फॉलो करा था। मैं नेक्स्ट टिप की बात करूं, तो जब भी आप वर्क्स पढ़े ना तो आप उनको क्रोनोलॉजी में पढ़िए। मतलब देखिए आजकल इतने ज़्यादा मतलब क्रोनोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं क्या करती थी उसको आप उसी उसमें पढ़िए कि अच्छा पहले ये वाला वर्क आया, फिर ये वाला वर्क आया, फिर ये वाला वर्क आया। अगर आप उसको पढ़ेंगे उसी मैनर में ना, तो आपको फिर याद भी उसी मैनर में हो जाएगा। तो ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको उसी मैनर में पढ़ना है जिस हिसाब से, जिस ईयर के हिसाब से वो वर्क्स लिखे गए हैं। मैं नेक्स्ट चीज़ की बात करूँ तो भाई डिफरेंट कलर के मैं हाईलाइटर्स यूज़ करती थी कि अच्छा जैसे समरीज भी मैं लिखती थी ना, तो उसमें जैसे जो मेल कोई है आपका कैरेक्टर, तो उसको मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया, तो फीमेल है उसको पिंक कलर से कर दिया। इससे क्या होता था ना, मुझे ये याद नहीं करना पड़ता था कि हाँ मतलब ये मेल है ये फीमेल है, आपको अपने आप ही कलर से पता चल गया कि अच्छा हाँ ये मेल है ये फीमेल है ये चाइल्ड है। तो मैं ऐसे करती थी। मैं नेक्स्ट की बात करूँ आपसे, तो मैंने वही आपके स्मॉल नोट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनको ना, या फिर मुझे कुछ याद नहीं हो रहा तो बस मैं उनको लिख करके अपनी वॉल पे टेबल पे पेस्ट कर लेती थी कि अच्छा हाँ बस ये याद करना है, बस कैसे भी ये याद हो जाए। तो उससे क्या होता है ना, आप डेली उसको देखते रहेंगे तो आपका दिमाग भी कहेगा कि चलो अब तो याद ही कर लो, तो ऐसे मैं उसको याद कर लेती थी। नेक्स्ट की मैं आपसे बात करूं तो अच्छा, जब पढ़ने का आपका मन ना करे ना, ऐसे बहुत सारा टाइम होता है हम डीमोटिवेटेड होते हैं, हमको लगता है अब नहीं पढ़ना है, तो मैं क्या करती थी कि टाइम वेस्ट ना करने की बजाय कोई नॉवल की कोई मूवी देख ली। सपोज चार्ल्स डिकिंस का कोई नॉवल है, मेरे को लग रहा है कि जैसे एक बार मेरे को याद है मैंने टेल ऑफ टू सिटीज़ में मैं बहुत बोर हो रही थी तो मैंने वो देख ली थी। तो उससे क्या हुआ ना, आपको एकदम दिमाग में मूवी देख ली तो आपको अच्छे से वो चीज़ याद हो गई कि अच्छा ये था ये था। हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो हमको ज़्यादा अच्छे से याद होती है, तो टाइम अगर आपको लग रहा है कि हाँ मतलब वेस्ट जा रहा है या पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो आप उसकी मूवीज़ हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, यूट्यूब वीडियोज़ हैं, वो सब फॉलो कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट बात करूं तो जैसे जब भी मैं नॉवल की समरी होती थी तो मैं लिखती नहीं थी कि अच्छा इसमें ये है नहीं, मैं उसको पिक्टोरियल बनाती थी। सपोज़ आपका प्राइड एंड प्रेजुडिस का एग्जांपल देती हूँ, तो सपोज़ मिस्टर बेनेट मिसेस बेनेट एक ऐसे करके एरो लगाया, इनकी 5 डॉटर्स हो गई, तो वो लिख लिया। अब सपोज़ आपका एलिजाबेथ है तो उसे एक एरो लगाया, फिर डार्सी लिख दिया। मतलब पिक्टोरियल वे में कि आपको पढ़ने में भी मज़ा है ना, आप अपनी चीज़ को क्यों बोरिंग बना रहे हैं, ऑलरेडी पढ़ने को इतना कुछ है। तो मैं क्या करती थी, मैं उसको पिक्टोरियल वे में बना लेती थी सभी नॉवल्स का जितना भी मेरे को होता था, तो उसको बस किसी भी चार्ट फॉर्म में कैसे भी करके मैं एरो वेरो लगा के वैसे करती थी, तो मेरे को उससे थोड़ा मतलब याद करने में थोड़ा पढ़ने में आसानी होती थी। मैं आपसे नेक्स्ट बात करूं तो मैंने पास्ट ईयर पेपर्स बताया आपको। कई बार क्या होता है ना, देखिए पास्ट ईयर पेपर पढ़ने का भी एक तरीका होता है, बच्चे क्या करते हैं क्वेश्चन देखा आंसर निकाल लिया हो गया काम, नहीं, जो ऑप्शंस है ना आप उनको पढ़िए कि NTA ने वो ऑप्शन दिया ही क्यों है, क्या पता अगली बार उसी ऑप्शंस में से आपका क्वेश्चन आ जाए। तो मैं ये चीज़ ज़रूर करती थी कि मैं चाहे भले ही मैं रात में 1 घंटा दे करके 10 ही क्वेश्चंस पढ़ पाऊँ, लेकिन मैं उनको बहुत सॉलिड तरीके से पढ़ती थी कि हाँ मतलब बस इसमें से कुछ छूट ना जाए। कई बार होता है कि डायरेक्ट ऑप्शन में से अगली बार आपका क्वेश्चन आ जाता है, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। एक नेक्स्ट चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिमिनेशन टेक्निक।
देखिए इंग्लिश में क्या होता है, आपको शॉर्ट शॉर्ट आंसर्स बहुत ही कम के पता होते हैं, बट आप एलिमिनेट कर सकते हो. चार ऑप्शंस हैं, आपको पता है यार ये वाला तो इसने नहीं ही लिखा है, तो आपने वो एलिमिनेट कर दिया. फिर आपने एक और सोचा कि अच्छा हाँ ये भी नहीं हो सकता है, तो आपने वो भी एलिमिनेट कर दिया. ऐसे करते करते अगर आपने दो भी एलिमिनेट कर लिए, तो बाकी दो बचे उसमें थोड़ा स्मार्ट गेस कर सकते हैं. सी राइट आंसर तो आपको बहुत ही कम के पता होते हैं, तो आप ऐसे स्मार्ट गेसिंग से, एलिमिनेशन से, थोड़ा रिकॉल करके आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रख सकते हैं. मैं नेक्स्ट चीज़ बात करूँ तो बहुत सारी चीज़ें मतलब होती हैं, नहीं याद हो पाती हैं. तो मैं सुबह 3 बजे उठती थी, मतलब सभी का होता है, देखिए कोई रात में देर तक जगता है, कोई सुबह जल्दी उठ जाता है. मैंने पर्सनली, मैं सुबह जल्दी उठती थी, सुबह के 3-4 घंटे मेरे को याद करना है, रिवाइज करना है. मेरे को लगता है रिवीजन तो मतलब एकदम सॉलिड किया है कि आपको रिवाइज तो ज़रूर ही करना चाहिए आपको, मतलब रिवीजन के बिना तो आपने जो पढ़ा है वो सब बेकार है. तो मैं सुबह उठ करके रिवीजन या आपको कुछ याद करना है तो मैं वो 3-4 घंटा ना वो काम करा करती थी. इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए सोशल मीडिया से जितना हो सके आप दूरी बना सकते हैं. मैं तो बहुत टाइम से सोशल मीडिया पर नहीं थी, तो या अगर आपको लगता है कि आप में इतना पेशेंस है कि हाँ एक पर्टिकुलर टाइम निकाला, सिर्फ इतने टाइम के लिए मैं अपना व्हाट्सएप फेसबुक एक्टिव मतलब यूज़ करूँगा, तो ठीक है. ये तो मैं तो डीएक्टिवेटेड थी, मैं तो नहीं यूज़ करती थी. ये आपका मन है, मैंने तो रिजल्ट आने के बाद अब जाके एक्टिवेट किया है. सो टोटली डिपेंड्स ऑन यू, बट थोड़ा सा दूर रहिए ज़्यादा बेटर है. इसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ, रिवीजन का मैंने आपसे कह ही दिया है. इसके बाद मैंने जैसे अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे ना, कोई पहले एक मैम थी, उन्होंने GRF इंग्लिश से ही क्लियर करा था, तो मैंने उनके रिजल्ट का एक स्क्रीनशॉट लगा रखा था. उसमें लिखा था क्वालिफाइड फॉर GRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर. तो मैं वो डेली देखती थी, तो कहीं ना कहीं ना एक वो होता है कि आपके दिमाग में वो चीज़ हो जाती है कि नहीं करना है करना है. नहीं तो मैं 2 बार नेट फेल हो गई थी, लेकिन इस बार सीधे GRF करा, क्योंकि मतलब मेरे अंदर था कि नहीं मुझे करना है, मैं केपेबल हूँ. तो अगर कोई है भाई नहीं हो पा रहा है, सब कुछ पॉसिबल है. आप मेरे को देखिए, मतलब 2 नेट फेल के बाद मैंने सीधे GRF निकाला है, तो सब कुछ पॉसिबल है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए. इसके बाद तो और मतलब हाँ ये सब टिप्स हैं. इसके अलावा देखिए मैं आपको कुछ एग्ज़ाम डे की टिप्स देना चाहूँगी. 2 तरीके के बच्चे होते हैं. एक तो ये होते हैं सोचते हैं कि अरे मेरा नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा क्या करूँगी, सब लोग मुझे क्या कहेंगे. एक होते हैं जो अपने आप से ही बातें करते हैं कि नहीं करना है करना है करना है. तो आप सेकंड टाइप के बनिए, लोगों का क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं कुछ मत सोचिए, है ना. अपना देखिए कि हाँ भाई मुझे इस बार करना है. मैंने अपना जब मैं गई थी, मेरे को रफ शीट्स मिली थी, मैंने उस पर लिख लिया था कि हाँ आई विल डू इट, मुझे करना ही है इस बार. तो मैं अपने आप से बार बार कह रही थी कि नहीं करना है करना है करना है करना है. तो बाकी आसपास किसी से बात मत करिए पेपर वाले दिन, थोड़ा काम माइंड से काम करिए. इस बार जैसे NTA ने सबसे पहले आपका DI का क्वेश्चन दे लिया था, तो बहुत सारे बच्चे क्या हो गए थे, बहुत नर्वस हो गए थे कि अब DI दे दिया क्या करेंगे, है ना. तो नर्वस मत होइए. अगर आपको लग रहा है कुछ आपका वीक है तो उसको स्किप करके आप आगे चले जाइए. सी 3 घंटे आपके पास हैं, आपको देखना है कि आप कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं. तो जैसे आपको करना है बस उसको नर्वस मत होइए पेपर वाले दिन. बाकी अपना वही थोड़ा अपना वाटर पानी वगैरह ले लीजिए, यही सब चीज़ें हैं. अच्छा एक और पेपर को करने का ना एक तरीका है. मैं क्या करती थी, जैसे आपका paper 1 मैंने करा, तो पहले मैंने आधे घंटे में जो भी मेरे से फर्स्ट गो में जो भी चीज़ें मेरे को एकदम तुरंत क्लिक हो रही हैं मैंने वो कर ली. फिर जो चीज़ें नहीं हो रही थी मैंने छोड़ दिया. फिर नेक्स्ट 20 मिनट्स में जो चीज़ें मैंने छोड़ दी थी फिर मैंने वो करी. तो ऐसे करते मैं 2-3 राउंड्स लगा करके मैं ऐसे पेपर करती थी. सी एक तो होता है पेपर आपको ड्राइव कर रहा है, एक है आप पेपर को ड्राइव कर रहे हैं. तो आप सेकंड वाला बनिए कि आप पेपर को ड्राइव करिए. 3 घंटे आपके पास हैं, आपको देखना है कि कैसे करना है, आप ड्राइवर हैं अपने पेपर के खुद, तो वैसे करिए. अब मैं लास्ट में थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए करना चाहूँगी. देखिए सभी की लाइफ में फेलियर्स आते हैं, सभी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं. मैं खुद अपना बताऊँ तो मैं इतनी बार मैं मतलब मैंने बहुत फेलियर्स देखे हैं लाइफ में. तो मैं खुद बहुत मतलब ये कहते हैं ना फेलियर एक आपका स्टेपिंग स्टोन होता है सक्सेस का, मेरे साथ सच्ची में वैसे ही है. मेरे लिए तो स्टेपिंग स्टोन ही थे मेरे फेलियर्स, इतने फेलियर्स देखे हैं. बट फिर वही एक बार आप सक्सीड हो गए ना तो कोई नहीं देखता, कोई नहीं पूछता कि आप कितनी बार फेल करे क्या हो गया. तो बिल्कुल अपना पेशेंस बना के रखिए, आप अपना हार्डवर्क बना के रखिए, जो होना है अच्छा होगा. हार्डवर्क और पेशेंस का रिजल्ट ज़रूर ही ज़रूर मिलता है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा. अपना बस वही पेशेंस बना के रखिए. ये जो कुछ चीज़ें मैंने बताई आप वो फॉलो करिए. और अगर आपके सोर्सेज कुछ डिफरेंट हैं तो उसमें बिल्कुल परेशान मत होइए. सब बच्चे हैं, देखिए कितने बच्चों ने GRF क्लियर करा, बट सबकी बुक्स सबके सोर्सेज सेम नहीं हो सकते हैं. तो आप जो भी आप फॉलो कर रहे हैं अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप उससे क्लियर पढ़िए. कोई भटकने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया की मत सुनिए, अपना सोचिए और गिव अप मत करिए बस. बाकी मैं डेली नॉलेज ट्रैक का बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी मेरे को यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए. और मैं आप सभी को ऑल दी वेरी बेस्ट बोलना चाहूँगी. आई विश नेक्स्ट टाइम आप मेरी जगह पर यहाँ आएँ और GRF क्लियर करें. ऑल दी वेरी बेस्ट, विश यू ग्रेट लक. थैंक यू सो मच.